चैप्टर 33 बेटर डिसाइड विच वंस इनटू हर। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जीजी के घर के अंदर का, जहाँ पर जो अपनी मोमो होती है वो घर के चक्कर लगाकर देखते रहती है अंदर कि एरियास मन में कोई स्पिरिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वो पूरा घर देख लिए थे तो उसे कोई स्पिरिट नहीं मिलता, इतने में वो जाकर सोफे में बैठ जाती है। फिर सडनली टीवी ऑन हो जाता है। ये चीज देख कर वो कारून बोलता है कि टीवी कैसे ऑन हो गया। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि मैंने ऑन किया है रिमोट से। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या मोमो। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि तुमने कहा था जैसे यहाँ पर स्पिरिट मीडियम वाले तुम्हारे घर चेक करने आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर डेंजरस स्पिरिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है वो कहीं छुप गए हैं। जैसे कि हमारे साथ टर्बो ग्रैनी के केस में हुआ था, जहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट की जो ऑरा थी वो थोड़ी वीक थी, इसी की वजह से मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पाई थी और वो उस टनल में छुपी हुई थी। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये गार्डन में घूमने जैसा है मेरे लिए। तो यहाँ पर अपना जो जीजी बोलता है कि तुम कितनी कूल हो मोमो, चलो मैं तुम्हारा शोल्डर प्रेस कर देता। इतने में वो शोल्डर प्रेस करने लग जाता है और फिर जल्दी से भाग कर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जूस लेके आ रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहो मोमो। इतने में जो अपना उकारून होता है मोमो के साइड में आकर बैठ जाता है और मोमो से बात करता है। तो यहाँ पर मोमो उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि जो स्पिरिट्स है वो रात के एक्टिवेट हो जाएंगे या रात के घूमने लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उकारून भी बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि चलो मैं हॉट स्प्रिंग देखने जा रही हूँ और जल्दी से अपना शूज पहन के बाहर निकलने लग जाती है और उकारून को बोलती है कि तुम और जीजी साथ में अच्छे से रहना, लड़ाई मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो अपना उकारून होता है वो बोलता है कि तुम सीरियसली जा रहे हो मोमो, गलती से हमें कोई घोस्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे मोमो बताओ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि टेंशन मतलब मैं इवनिंग तक का आ जाऊंगी। तो यहाँ पर जो उकारून होता है वो बोलता है कि वेट मोमो रुको ना, लेकिन यहाँ पर मोमो निकल जाती है। इतने में यहाँ पर अपना जीजी जूस लेकर बाहर आ जाता है और देखता है कि मोमो चले गई है। तो यहाँ पर वो उकारून से पूछता है कि मोमो किधर गई, तो वो बोलता है कि हॉट स्प्रिंग गई है। फिर जीजी बोलता है कि शायद मुझे भी जाना चाहिए था उसके साथ में, लेकिन वो फिर बाद में उकारून को पूछता है कि चलो हम दोनों सॉकर खेलते हैं। तो यहाँ पर अपना उकारून बोलता है कि मैं पहली बार सॉकर खेलने वाला हूँ, मुझे नहीं पता है कि इसे कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर जो अपना जीजी होता है वो उकारून को सिखाता है कि अपना पैर लो और इससे किक करो बॉल को। तो इतने में जो अपना उकारून होता है बॉल को गलत डायरेक्शन में किक कर देता है और जीजी उस बॉल को जाकर पकड़ लेता है। जो अपना उकारून होता है फिर से माफी मांगता है जीजी से। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि तुम कितना माफी मांगते हो मेरे से, शांति से खेलो मेरे साथ। उकारून और जीजी साथ में खेलते रहते हैं। इतने में जो अपना उकारून होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए सॉकर को ताकि मैं मोमो के सामने कूल बन सकूं। इतने में जो अपना जीजी होता है वो उकारून को पूछता है कि तुमको मोमो को लेके कोई फीलिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो उकारून होता है सोचने लग जाता है। तो इतने में अपना जीजी बोलता है कि वो तो क्यूट तो लगती है। तो यहाँ पर जो उकारून होता है वो बोलता है कि मोमो मेरी फर्स्ट फ्रेंड है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो पास करता है जीजी को बॉल। इतने में जो जीजी होता है वो बोलता है नाइस पास। फिर जीजी बोलता है कि अच्छा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है तो फिर मैं भी बोलने वाला हूँ, मुझे उसका फेस अच्छा लगता है और उसकी पर्सनालिटी भी। तो इतने में जो उकारून होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी वो चीज अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है कि ये चीज तो मैंने बोल दिया है, तुम कैसे बोल रहे हो, ऑलरेडी मैंने ये बात बोल दिया तो तुम इसे बोल नहीं सकते हो उकारून, ये तो सही नहीं है, ठीक है फिर मैं प्लस कर रहा हूँ इस पे, मुझे मोमो की आईज अच्छी लगती है। इतने में जो अपना उकारून होता है वो बोलता है कि मुझे उसके माउथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस बोल चुका है। तो यहाँ पर जो उकारून होता है वो बोलता है कि तो ऐसे में तो तुम्हारा आईज भी काउंट नहीं होगा क्योंकि तुमने भी फेस बोल चुका है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है कि ऐसे में तो फिर मैं जीत गया ना। तो यहाँ पर जो उकारून होता है वो कुछ सोचता है और सोचकर शर्माने लग जाता है। ये चीज अपना जीजी देखता है और शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या हो रहा है उकारून तुम्हारे साथ। इतने में जो अपना उकारून होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब मैं जीत गया बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते जीजी। इतने में जो अपना जीजी होता है वो बोलता है क्या तुमने तो बात भी नहीं बताई और तुम कैसे जीत गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतने में सीन जाता है अपनी मोमो की तरफ जो कि हॉट स्पेरिंग में बात लेते रहती है और उसे कुछ लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर इतने में जो सीन होता है वो जीजी और उकारून की तरफ जाता है जहाँ पर दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। जीजी होता है वो उकारून को ट्रिक करता है, बोलता है कि आओ उकारून हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर अपना उकारून भी हाथ मिलाने चला जाता है, लेकिन इतने में अपना जो जीजी होता है वो ट्रिक करके उसके गले को पकड़ लेता है और दबाने लग जाता है। फिर जो अपना उकारून होता है वो बोलता है कि तुम चीटर हो और जो मोमो है वो चीटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इतने में जो अपना उकारून होता है वो कुछ चीज ऑब्जर्व करता है घर की तरफ देख कर और वो जीजी को बोलता है रुक जाओ। तो यहाँ पर जो अपना जीजी होता है वो रुक जाता है और वो अब तो यहाँ पर जो उकारून होता है वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। तो यहाँ पर जीजी बोलता है क्या क्या अजीब लग रहा है तुम्हें बताओ। इतने में जो अपना उकारून होता है वो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा जो एंट्रेंस है वहाँ पर तुम देख रहे होगे कि वहाँ पर कोई रूम नहीं है साइड पे, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा वॉल है। तो ये लोग घर के अंदर जाते हैं और वॉल को चेक करते हैं और इतने में अपना जो जीजी होता है वो वॉल को टैप करके देखता है। तो टैप करके देखने पर उसे अंदर साउंड आता है। ये चीज अपना उकारून सुनता है और कहता है कि अंदर हॉलो है यानी अंदर खाली है। फिर अपना जो जीजी होता है वो सामने से एक हथौड़ा लेकर आता है और उस दीवार में मारता है।
है। मारते ही अंदर छेद हो जाता है। छेद होते ही अपना सिर अंदर डालकर इन लोग देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर देखने पर इन्हें वॉल्स पे बहुत सारे पेपर लगे मिल जाते हैं, वॉल्स पे, ग्राउंड्स पे, हर तरफ। और यहीं पर जाकर चैप्टर एंड हो जाता है।